एक ऐलान कर दूं जो ये है, गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह जो हमारा एक इदारा जो हमारे वहीदुज़्ज़मा साहब लाल बाबू हैं, उन्होंने एक इदारा जो आपका लवे सड़क पीर बाजार भानपुर भुवनेश्वर जाते वक्त फुल नखरा से पहले पहले जो चार तला इमारत है जिसमें दीन यानी नीचे ग्राउंड फ्लोर में और सेकंड फ्लोर में मस्जिद और थर्ड फ्लोर और फोर्थ में वगैरह में मदरसा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 52 बच्चे वहाँ जेर तालीम हैं, 4 बच्चे हाफिज कुरान इस साल हुए हैं। गुज़िश्ता साल क्लब हाउस में प्रोग्राम हुआ था और इस साल 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। उसी मदरसा के मुत्तसिलन एक ज़मीन है, उसी ज़मीन पर इंशाल्लाह 25 फरवरी को जो शबे बारात भी और रात आती है इंशाल्लाह शबे बारात होगी और उसका फ़ायदा आप वहाँ भी उठाएं फिर मस्जिद में भी आके उठाएं, जिसके मेहमान खुसूसी के तौर पर जमीयत उलमा के नायब सदर जिगर गोशे शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद असजद मदनी दामद बरकातुहुम तशरीफ ला रहे हैं और इसी तरह जैयद आलिम दीन मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत मौलाना मासूम साहब मुफ्ती मासूम साकिब साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद हैं और उनका हज़रत मौलाना के साहबजादे हज़रत मौलाना सैयद हसन असजद मदनी भी हैं और इसी तरह झारखंड से हज़रत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब हैं और पूरे अल्हम्दुलिल्लाह अकाबरीन उड़ीसा वहाँ इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे और साथ साथ आप सभी हजरात वहाँ जाएँ। असर के बाद से प्रोग्राम शुरू होगा इंशाल्लाह और रात 10 या 10 बजे तक की इजाज़त होती है, उसी में इंशाल्लाह दुआ होगी, 4 बच्चों की दस्तारबंदी होगी। इसी निस्बत इसी हवाले से मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप उस जलसे में यानी 25 फरवरी 14 शाबान न भूलें, इतवार का दिन भी है, आप लोग यानी जाएँ और वहाँ प्रोग्राम में शरीक होकर और जलसे की दुआ के अख्ताम पर खाना तनाउल फरमाकर आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, कोई कमी कोताही हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।